तो यू नो खुशी को दिन खुशी को दिन। सो यहाँ से ना एक हिमालय दिखता है। सॉरी सॉरी सॉरी, अपने आप पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। बाप रे बाप, अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम होने से बच गया ना। ब्रेक मारोगे तो आपका टायर फिसल जाता है। ये रास्ता देखो गाइस, अगर यहाँ पर गलती हुई ना तो सीधा। सो यहाँ से ना एक हिमालय दिखता है, बट अभी वेदर ठीक नहीं है जिसकी वजह से हमें दिख नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं। सो ऑलराइट, सो हेलो नमस्ते लवली पीपल, वेलकम बैक टू द ऑल न्यू एपिसोड। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचुंग। सो आज हमारा लाचुंग में दूसरा दिन है, तो आज हम वापसी हो रहे हैं गैंगटॉक के लिए। तो अभी बज रहे हैं 11। तो प्लान अनुसार तो हमारा ये प्लान था कि आज हम निकलेंगे यहाँ से माउंट कटवा के लिए जो कि ऊपर है, बट अभी ऑलमोस्ट अभी 11 बजे हुए तो हमें गैंगटॉक जाने के लिए लेट हो रहा है। तो हमने माउंट कटवा को कैंसिल कर दिया है जाने के लिए। जैसे हम कल वो लेक पर नहीं जा पाए तो आज हम माउंट कटाऊ पर नहीं जा पाए। तो आई थिंक कि इसमें कुछ ऊपर वाली की मर्जी होगी, बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेंगे बिकॉज हम फिर से नेक्स्ट टाइम आने वाले हैं, क्योंकि सिक्किम है ही इतना प्यारा। तो अभी ये पैकिंग कुछ भी नहीं हुई है, पैकिंग सब आधी अधूरी सी है, तो अभी फटाफट पैकिंग करते हैं और निकलते हैं यहाँ से गैंगटॉक के लिए। वही रास्ता होगा जहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था, बट यू नो अभी ठीक है, अभी मैं सब समझ गया हूँ, अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया, अपनी गलतियों से सीख गया हूँ। उसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी, बट उसमें वो ट्रक वाले की भी कोई गलती नहीं थी। पहाड़ों में ऐसी होता है, अगर आप टर्निंग में गिर जाते हो तो इसमें आप किसी को किसी को बोल नहीं सकते, किसी को दोष नहीं दे सकते, तो आपको दोनों की गलती होती है, दोनों को देख कर क्रॉसिंग करना होता है। प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम गैंगटॉक पहुँचेंगे शाम को, स्टे करने के बाद हम कल निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए। हाँ, तो फिलहाल तो ये प्लान है, अब देखते हैं कि ऊपर वाले की क्या मर्जी है, जैसी होगी वैसी देख लेंगे। है ना, अपने आप पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हमने ये फाइनली जो हमारा नॉर्थ सिक्किम का राइड था हमने कंप्लीट कर लिया। थोड़ी बहुत मुश्किलें हुई, बट जैसे मैंने कहा, अगर आप अकेले निकलोगे तो नए नए प्रॉब्लम्स होंगे जिसके आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। तो यस, आई एम वेरी प्राउड कि इस इतनी सी उम्र में मैं मुंबई से इतने दूर तक आया हूँ, अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, नॉर्थ सिक्किम भी कर लिया, वापस जा रहा हूँ, तो गर्व की बात है यार। तो आप भी प्राउड करो, अगर आपने भी ऐसा कुछ प्लान किया रहेगा तो आप जाओ, प्लानिंग करो अच्छे से, थोड़ा रिसर्च करो, और आप भी कर सकते हो ये सब चीज़ें। तो बस फिर फटाफट पैकिंग करते हैं, निकलते हैं। जी गाइस, तो पैकिंग हो गई हमने, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है यहाँ पर ऊपर, मुझे नहीं लगता कि नीचे होगी, बट स्टिल हमने रिक्स ले लिया, हमने अपना रेनकोट का पहन लिया है, और इनफैक्ट हमने पूरा वाटरप्रूफ प्लेस पैकिंग किया है। एंड एक ये ऐसा हो गया था कि कल जब मैं यहाँ पे आया तो गाड़ी का चाबी जो है वो इसमें ही थी, तो ये चाबी को ढूंढने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। जब मैं नीचे आके देखा तो गाड़ी में ही रात भर चाबी लगी हुई थी। तो अभी बस बारिश बढ़ने से पहले भी फटाफट निकलते हैं। एंड मेरा जो गोप्रो है वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करके मैं इसको वापस अंदर रख दूंगा। तो लेट्स गो, फिर निकलते हैं। हेलो जी गाइस, बैक टू द मोटो व्लॉगिंग। अभी गाड़ी चालू करते हैं थोड़ा सा। एंड ये जो शूज़ है ना, ये मैं जहाँ पे रुका था गैंगटॉक में, वही अंकल का शूज़ है, उनसे मैंने लिया था, बिकॉज मेरे जो शूज़ थे ना वो यहाँ पर आता ना तो ख़राब हो जाता था, उनके लिए अंकल ले लिया हूँ। एंड अभी निकलते हैं यहाँ से। बस ये थोड़ा सा गीला ना हो बैग, है ना, चप चंबली। तो पहले प्रे करते, हे भगवान, हे मम्मी, प्लीज़ एकदम सुरक्षित आए थे उसी तरह सुरक्षित जाए। चलो, जय बजरंगबली। यस, हियर वी गो, अपना एडवेंचर चालू होता है फिर से जाने के लिए। यहाँ पर बारिश हो रही है, एंड बारिश में तो मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, बट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा ठीक ही है, ग्लव्स नहीं लगाया था मैंने। एंड व्यू देखो गाइस, यहाँ पे व्यूज़ की तो कोई कमी नहीं है, इतने सुंदर सुंदर जगह। पता नहीं मैं सांस क्यों फूल रहा है। बस अच्छे से जाए, अच्छे से आए यार।
अभी जो ऑफ रोड हमने किया था आते टाइम पे, अभी वो थोड़ा और भी मुश्किल हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उस टाइम तो बारिश नहीं हो रही थी। अगर नीचे साइड में बारिश नहीं हो रही होगी तो अच्छी बात है, एंड मुझे नहीं लगता कि नीचे साइड में बारिश हो रही है, क्योंकि ये जो जगह है ना ये काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पर बारिश हो रही है इसी कारण। बट हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि कौन बार बार रेनकोट निकालेगा, बैग को अच्छे से पैक करेगा, इसलिए हमने एक ही बार सब कर दिया। अब ज़्यादा बारिश होगी तो हम अपने गोप्रो को भी निकाल कर अंदर रख देंगे। एंड अभी भी यार यकीन नहीं हो रहा है कि हमने फाइनली नॉर्थ सिक्किम का राइड कंप्लीट कर दिया। हाँ, एक दो जगह पर नहीं जा पाए, बट जहाँ पर भी जा सके हम बहुत ही, मैं प्राउड हूँ अपने ऊपर, बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमने वो राइड को पूरा किया। अब दो रास्ते, अब मैं कन्फ्यूज़ हूँ कहाँ से है, मैं भी नीचे से होगा क्योंकि ऊपर तो गाँव दिख रहा है, हमें गाँव के बाहर जाना है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि इस एज में आई एम द यंगेस्ट मोटर ब्लॉगर ऑफ नवी मुंबई जो साउथ सिक्किम आया है सोलो राइड पर, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग राइट। बहुत लोगों को ये बड़ी बात नहीं लगती होगी, बट जो राइडर्स है उनको पता होगा कि जब हम राइड पर निकलते हैं हमें कितनी सारी चीज़ों का टेंशन होता है, कितनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है। बट जैसे कि मैंने कहा, आई एम द यंगेस्ट मोटर व्लॉगर ऑफ नवी मुंबई, हो सकता है कि मैं मुंबई का भी यंगेस्ट मोटर व्लॉगर होऊंगा जो नॉर्थ सिक्किम आया हूँ, बट मैं क्लेम नहीं करूँगा वो चीज़, ठीक है। मैं नवी मुंबई का टाइटल ही लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है नवी मुंबई से नॉर्थ सिक्किम तक कोई भी मेरे एज का तो अभी तक कोई नहीं आया अकेले सोलो राइड पर। ग्रुप में आया होगा बट सोलो राइड में तो कोई नहीं आया है। ऐसे खुद की तारीफ कर लेनी चाहिए हमेशा, हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलना चाहिए, ठीक है, हमेशा अपने बारे में पॉजिटिवली बातें करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसा सोचते हो ना वैसे ही बनते हो, आप जैसी बातें करते हो वैसे ही बनते हो। ये बात अगर आपको जल्दी समझ में आ जाएगी तो ये बात अच्छी है, क्योंकि ये बात मुझे समझ में आ गई है और मैं चाहता हूँ कि ये बात आप भी समझ जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि दिस इज़ द ओनली टाइम गाइस, क्योंकि यही हमारा प्राइम टाइम है, ठीक है। 20 से 30 के बीच में यही उम्र है जब हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद टाइम नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो अगर ये टाइम पर अगर आप मेहनत करोगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है जो अपने अपने सोचा है अपने दिमाग में, आपके हर एक ड्रीम्स कंप्लीट होंगे, बस यू हैव टू वर्क ऑन दैट ड्रीम। बैठे बैठे अगर सोचते रहोगे कि यार, अगर मैं घर पर बैठे बैठे ये सोचता कि यार मेरे को नॉर्थ सिक्किम जाना है, नॉर्थ सिक्किम जाना है, नॉर्थ सिक्किम जाना है, और कुछ भी नहीं करता, तो क्या मैं यहाँ पर पहुँचता? ऑब्वियसली नहीं ना। तो मैंने सोचने के साथ साथ मैंने वो कैसे प्लान एग्जीक्यूट भी किया, मैंने उसके ऊपर काम किया, रिसर्च किया, है ना, तो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अभी हम वापस जा रहे हैं घर पर, एंड आई एम गोना मिस दिस प्लेस यार, सिक्किम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, एंड आई प्रॉमिस कि मैं फिर से आऊँगा, बट नेपाल राइड के बाद। अब हम नवंबर नहीं तो दिसंबर में हम प्लान कर रहे हैं नेपाल राइड के लिए, तो देखते हैं पॉसिबल होगा कि नहीं। ओके, काफ़ी सारे बाइकर्स मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पर, जो कि दिख रहे हैं क्या सब कुछ रहे। ओके, लेट्स सी, काफ़ी राइडर्स है, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी राइडर्स लोग आते हैं, लेकिन हम सबसे छोटे हैं उनमें, छोटे साहब हैं हम। तो अभी आ गए हम एकदम मडी एरिया में, और यहीं पे मज़ा आएगा, क्योंकि यहीं पे फील होता है रेनी सीज़न का। यहाँ पर ऐसा होता है कि आप ब्रेक मारोगे तो आपका टायर फिसल जाता है। ये देखो वाटरफॉल, इतने सारे वाटरफॉल्स हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा समझ कर स्टेप लीजिएगा, ठीक है, वही रास्ते से जाइएगा जहाँ से आपको टायर के निशान दिख रहे हैं, नए रास्ते से मत जाना, क्योंकि वो रास्ते में ना आपका स्लिपरी होने का बहुत चांसेस हो जाएगा। ये जो टायर के निशान है ना उसके ऊपर ही चलाते रहना, और यहाँ पे अगर आप ब्रेक मारोगे आगे या पीछे का दोनों का कहीं का भी, तो स्लिप होने का बहुत चांसेस होता है, तो संभाल के एकदम प्रॉपर मारना ब्रेक। ये देखो यहाँ से अगर बड़ी बड़ी ट्रक्स आ गए तो रोड और भी मुश्किल हो जाएंगे। ये पैचेस तो मैं इसी कंप्लीट कर लूँगा, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है गाइस ऐसे रोड पर, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है कि इससे बुरे रोड्स पर किसी ने गाड़ी चलाया हो। सो अभी हम उतने ऊपर से इतने नीचे बहुत जल्दी पहुँच गए यार, क्योंकि कल हमको जाने को बहुत टाइम लग गया था। अरे तो आपको पता है कि ये टूटा हुआ था ब्रिज कभी रिसेंट फ्लड में, तो इसके कंस्ट्रक्शन चालू है, एंड बस निकल ही रहे। कितना ही दिखने में खतरनाक लग रहा है ना।
सोचो अगर एक बस में गिर गए तो क्या होगा। यार क्या करने था, ब्रदर मजाम मजाम चाहिए। लो जी गाइस, तो हमने ये भी क्रॉस कर लिया, क्योंकि अगर हम उसके पीछे रहते थे ना तो हमें बहुत टाइम लग जाता। अब ये देखो, ये चढ़ान थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा उल्टा सा चढ़ान है। मैंने घुमा दिया, यहाँ पर भी रास्ते में हमारी गौ माता बैठी रहती है, तो थोड़ा संभाल के चलाइएगा। और यहाँ के कुत्ते, यार कुत्ते आगे इतने फ्रेंडली है ना कि क्या बताऊँ। अभी डिफेंस एरिया आ गया है, लगता मेरे को मैं कैमरा बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल कॉज मी अ ट्रबल। One hour later. बाप रे बाप, अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम होने से बच गया ना। वैसे जो कल हमने परमिट दिखाया था लास्ट, जहाँ पे हमने अपना कैमरा निकाल दिया था, वहाँ से अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है। और शूटिंग के साथ साथ आपके हेलमेट, अगर आप GoPro लगा रहे हो आपके हेलमेट में, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट, अगर आप आ रहे हो यहाँ पर और अगर आपने हेलमेट में आपका GoPro लगाया है, बंद है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बंद है ख़राब है कुछ भी है, बस हेलमेट में वो GoPro मत लगाओ, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे साथ वही हुआ, अभी वापस मैं जब मेरा परमिट दिखा रहा था उन्हें, तो उन्होंने पहले मुझे पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम पूछा, ठीक है। देन पूछा कि ये जो मेरा GoPro है चालू है कि बंद है। मैंने बोला बंद है सर, मैंने पूरा रास्ते में बंद रखा है, मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। वो देन उन्होंने कहा कि अलाउड नहीं है ये, तो बाद में फिर जब तक मैं उनसे नेपाली में बात नहीं किया, ठीक है, नेपाली में बात किया, उसके बाद उनको मैंने समझाया कि सर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, मैंने ये पनी शूट करे को छैन, मैं था आज ये सिक्योरिटी डिफेंस एरिया हो बने रहा, ऐसे ऐसा बात किया उनसे, अच्छे से बात किया था। उन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम से मत करना है ना, और वैसे भी हम लोग टूरिस्ट लोग के तो गलती होती है, तो मैंने माफ़ी मांगा उनसे। तो अदरवाइज़ अगर वापस अगर आप ऐसा करोगे ना गाइस, तो आपका जो भी आपका कैमरा है या जो भी चीज़ है वो हम लोग वो कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करना, अगर आप आओगे यहाँ पे तो परमिट दिखाने के बाद अपना जो आपका GoPro है वो उतार देना। बच गया भाई, मैं तो डर गया था कि अपना GoPro है वो कैप्चर ना हो जाए, बट ठीक है। सर का नाम उमेश तमंग था, बहुत ही रेस्पेक्ट से बात किया उन्होंने, एकदम अच्छे से बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सलूट है आपको उमेश सर। ये रास्ता देखो गाइस, अगर यहाँ पर गलती हुई ना तो सीधा नीचे खाई में। आज भी इतना बारिश नहीं हुआ, मतलब मेरा लक बहुत अच्छा है यार, 3 दिन का मेरा प्लान था और 3 दिन तक कोई बारिश का सीन नहीं है ना, वरना अभी तो रेनी सीजन चल रही है, यहाँ पे बहुत बारिश होती है, मतलब समझ रहे हो क्या। मेरा विश मांगा था मैंने कि 3 दिन बारिश ना हो, और ऊपर वाले ने और मेरे मम्मी ने सुन लिया, तो दैट्स माई बर्थडे गिफ्ट, एंड ये नेचर भी मेरा बर्थडे गिफ्ट है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अभी मेरे को तो इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है ना यहाँ पे चलाने के लिए, लीन मारने के लिए, बट यू नो वो कॉन्फिडेंस का ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए हम मतलब वो नहीं होके चलाएंगे, बिंदास होके नहीं चलाएंगे भाई, थोड़ा डर में रहना चाहिए, क्योंकि इंसान जब बिंदास हो जाता है ना, वो वहीं पर जाकर गलती करता है। यहाँ पर तुम्हारा परमिट चेक होता है हमेशा। शाबाश, क्या सुंदर लड़की है रे। सॉरी सॉरी सॉरी, ओ फक, हैव यू सीन दैट गाइस, टर्निंग करा मैं, शिट मैन, मैंने गलती कर दी थी क्या,
ब्लाइंड टर्न था इसके वजह से ऐसे ही होता है यार। चलो ब्लाइंड टर्न में कभी भी ओवरटेक मत करो, दैट्स फाइन, होता रहता है कभी भी, इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी कितना बज रहा है, अभी मेरी फट रही है ओवरटेक करने का, पता है तुमको, अभी मेरी फट रही है कसम से। ओ कहाँ पहुँच गए हम, भूख लगी है भाई। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं रंग रंग के यहाँ पे, ये गांव का नाम है रंग 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 द जिंजर हाउस। यहाँ पर रुक के थोड़ा सा खा लेते हैं। तो हम लाचुंग से निकले थे 11:30 के आसपास, और अभी हम यहाँ पे इस गांव में जो नाम है रंग रंग, तो यहाँ पर पहुँचे हम 2:30 के आसपास। अब 3.5 घंटे में हमने इतनी बड़ी जर्नी कंप्लीट की, और वो एकदम सेफली बिना गिरे। यहाँ से जाने को कितना टाइम लगा था हमें, और नीचे आने को कितना कम समय लगा। तो जैसे जैसे अभी हम यहाँ पर पहुँच गए, मुँह एकदम लाल हो गया हेलमेट के वजह से, तो अभी बहुत भूख लगी है, बट कुछ हल्का सा खा लेंगे ताकि नींद ना आए। सामने रेस्टोरेंट है योला, अभी जाते हैं, चाउमीन में तो मोमोज खा लेंगे। अगर कोई भी यहाँ पर आ रहा है, जो भी जा रहा है यहाँ से नॉर्थ सिक्किम के लिए, लाचुंग के लिए, तो यहाँ पर रुककर ज़रूर खाना खाना था जिंजर हाउस में। भाई साहब क्या खाना है, मज़ा आ गया खाना खा के। मैंने सोचा था कम खाऊंगा, लेकिन इतना टेस्टी खाना था, चलो बहुत सही, मज़ा आ गया। तो यहाँ पर ज़रूर खाना एक बार खा के जाना, एकदम मज़ा आ जाएगा तुम्हें यहाँ से खाओगे तो। हाँ जी, तो घर वापसी हो गई, मैं अभी जस्ट अपने होटल रूम में पहुंचा हूं, एंड अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने नॉर्थ सिक्किम का राइड कंप्लीट कर दिया, वो भी अकेले, जो हमने सोचा था कि बहुत पहले से कि हम ऐसा करेंगे। तो यू नो, खुशी का दिन है ना। तो आई मतलब मैं जितने भी दिन सिक्किम में रहा ना, मुझे ये हर एक दिन याद में रहेगा। आपने जो भी सपने देखे हैं सब पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव रहो, यहाँ से पॉजिटिव बोलो, और काम भी पॉजिटिव करो, तो सब कुछ हो सकता है ना। तो फिर बस, फिर गाइस यही था आज के लिए। आई होप कि आपको ये जो सिक्किम का एपिसोड है आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ प्यार सा कमेंट करोगे, अनि नेपाली साथी भाई हुरु आज हेरे राजा के पनि कमेंट गर है ना, राम्रो मेरो लागि के कमेंट गरिदेऊ है ना। इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल यू नो दैट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बाघ को तू शाख मत दिखा, छोटे मुझे आंख मत दिखा, तू रोशनी मत डाल मेरी जात पे, तू सूरज को चेहरा